हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपाध्याय ब्लॉग से मैं दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग। आज शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं शॉपिंग जाने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हूँ। बेटा भी तैयार होने गया है, वो भी तैयार होके आता है, फिर हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे। मुझे राखी खरीदनी है, बहुत सा सामान खरीदना है, भगवान जी की कपड़े खरीदने हैं और अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आपको वहाँ पे शॉपिंग सारी चीजें दिखाऊंगी। वहाँ कितनी प्यारी प्यारी दुकानें भी सजी हुई हैं, रक्षाबंधन का ऊपर है, राखियाँ भी हैं, बहुत सारी राखियाँ भी दिखाई देंगी आपको, दुकानें भी बहुत सुंदर सुंदर लग रही हैं। आइए चलिए, मैं आपको मार्केट की शेयर कराती हूँ। चलिए, तो अब हम शॉप पे आ गए हैं। कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं, कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं ये राखियाँ। ये देखिए कितनी प्यारी राखियाँ हैं। अब मैं इन राखियों को देख रही हूँ, चूज कर रही हूँ कि मैं अपने भाई के लिए कौन सी राखी देखूँ। अब मैं देख रही हूँ, मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा पर क्या करूँ, लेकिन फिर भी मुझे खरीदनी तो है ये। चलिए मैं देखती हूँ कोई अच्छी लगे। तो बहुत सी औरतें भी आई हैं, वो भी खरीद रही हैं, ये देखिए। चलिए अब हम राखी देखती हूँ, कोई पसंद आ जाए तो ठीक है, लेती हूँ उस राखी को। अभी मैं चूज़ कर रही हूँ, समझ में नहीं आई मेरी। चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरी वाली शॉप पे आई हूँ। वहाँ पे गुड्डे वगैरह की राखियाँ, गुड्डे हैं छोटे छोटे बच्चों की, जो गुड्डे वगैरह की राखियाँ होती हैं, टेडी बियर वगैरह की, उनकी राखियाँ मिल रही हैं। कितनी सुंदर है राखियाँ। चलिए मैंने एक, अब मुझे पसंद आई एक, तो मैंने उसे पैसे दिए हैं और अपनी दो राखियाँ मैंने ली हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम डोसे की दुकान पे आए हैं। वहाँ डोसा बन रहा है, कितने प्यारे तरीके से, ये देखिए कितनी सफाई से डोसा बन रहा है। अब हमने सोचा कि चलो एक डोसा लेके घर चलते हैं, लेकिन हम बाहर तो नहीं खाएंगे पर ये अपने घर पे जाके खाएंगे। चलिए हम डोसा पैक कराते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से भैया बना रहे हैं डोसा। अब हम इनमें से एक डोसा पैक कराएंगे, एक डोसा वो बेटे की फरमाइश है कि चलो डोसा लेके चलते हैं। अब हम इसे घर पे खाएंगे, आपको घर खाएंगे हम, बहुत अच्छा लगता है ये डोसा, मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से वो बना रहे हैं भैया डोसा। ये देखिए आप देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने काटा और ये इस तरीके से पैक करेंगे। ये देखिए ये ऐसे करके मोड़ा और अब ये उन्होंने तैयार कर दिया, ये अब हम पैक करेंगे। ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं क्या क्या लेके आई हूँ ये आपको दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई क्योंकि रास्ते में भीड़ बहुत थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। ये देखिए मैं सिर्फ ये दो राखी लेके आ पाई हूँ बस। ये देखिए ये दो राखी बहुत ही सुंदर हैं, सॉफ्ट राखी हैं। ये देखिए एक, ये दो राखी मेरे दो भाई हैं और उनको ऐसी ही राखी पसंद आती है, वो ऐसी ही राखी बांधना पसंद करते हैं। ये देखिए एक मेरे दो भाई हैं, उनके लिए दो राखी, बहुत ही सॉफ्ट राखी है, अच्छी राखी है। ये देखिए, और ये थोड़ी सी राखी लेके आई हूँ, सोना राखी, पूजा करूँगी रक्षाबंधन की उसके लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरी ये राखी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मैं डोसा परोसती हूँ अपने बेटे के लिए, वो डोसा मांग रहा है। आपको पता है मैं अभी लेके आई थी डोसा, डोसा वाले भैया से डोसा लेके आई हूँ। आइए हम डोसा परोसते हैं और फिर उसे हम खाते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, अब हम डोसा ले आए और मैंने इसको सजा दिया। ये देखिए, ये है सावन, ये है गरी चटनी वाइट वाली और ये रेड वाली और ये है डोसा। ये देखिए मैंने इस तरीके से सजाया है, इसको रखा है मैंने और ये देखिए ये इसके अंदर अंदर है सब सामान। ये देखिए, और अब हम इसे खाएंगे। पहला बाइट आप लोगों के लिए, ये लीजिए खाइए।